कूदने वाले मेंढक को बनाने के लिए आपको एक कागज का चौकोर लगेगा, थोड़ा सा सख्त कागज हो, 15 सेंटीमीटर उसकी भुजा हो। आप सबसे पहले इस चौकोन की कर्ण को मोड़े, इससे दो बड़े त्रिकोण मिलेंगे, फिर चौथाई में मोड़े और फिर खोलें। हमको सिर्फ मध्य रेखा की जरूरत है। फिर इस त्रिकोण के दोनों कोनों को मध्य रेखा तक मोड़ेंगे तो आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल मिलेंगे। फिर इसको पलटें और दोनों सिरों को मध्य रेखा तक मोड़ें। देखने में इस समय ये मॉडल कुछ कुछ एक रॉकेट जैसा दिखेगा। ये देखिए रॉकेट जैसा दिख रहा है। और फिर इसको पलट करके जहां पर जो त्रिकोण है उसको ऊपर मोड़ें और फिर पीछे को मोड़ें। इससे एक जेड आकार की स्प्रिंग बनेगी और जिससे ही ये मेंढक उछलेगा। उसके बाद में दोनों जो पैर हैं उनको आप ऊपर की तरफ मोड़ दीजिए तो अब लगभग ये मेंढक तैयार है। ये देखिए, ये इसकी स्प्रिंग है, ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है और यहां पर आपको जेड स्प्रिंग और निचला हिस्सा दिखाई दे रहा है। और जैसे ही आप स्प्रिंग को दबाएंगे ये मेंढक उछलेगा। उसके बाद में जो मुंह है आपको दो थोड़े सकरे से त्रिकोण दोनों तरफ मोड़ें। इससे थोड़ा सा सिर मेंढक का तिकोना हो जाएगा और उसका मुंह भी थोड़ा सा अंदर को मोड़ दें। अब देखिए दो आंखें चिपकाने के बाद में ये मेंढक एकदम खिल उठेगा। इसका मुंह देखिए, मुंह खुला हुआ है और अब ये इसकी जेड स्प्रिंग है, इसको थोड़ा सा आप ऊपर को खींचे और बिल्कुल जेड स्प्रिंग तैयार है मेंढक उछलने के लिए। अब इसको आप टेबल पर रख करके जैसे ही स्प्रिंग को दबाएंगे मेंढक उछलेगा। एक बार दोबारा उछलते हुए देखिए और अगर आपने सही निशाना लिया तो यह मेंढक सीधा कूद करके और कुएं में जाकर के डुबकी लगाएगा। क्यों, है ना मजेदार?